हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी यू टी 24/7। बच्चों, मैं हर्ष आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर आपके लिए आज बहुत स्पेशल सेशन लेके आया हूँ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हम 2024 के सी यू टी के पेपर को टारगेट कर रहे हैं। तो उस तैयारी के दौरान हमको क्या क्या गलतियों से बचना है, ऐसा क्या करना है कि हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल लोहा हो पाए, बिल्कुल मजबूत हो पाए और 2024 में सीयूईटी हमारा क्रैक हो और हम बहुत अच्छे से किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज डोमेन का सब्जेक्ट है, डोमेन की बात की जाए तो डोमेन में कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान रखें कि डोमेन में तीन सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। फिर आपका जीटी इंग्लिश अदर सब्जेक्ट्स में आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंग्लिश आ गया, जीटी में आपका क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आ गई। बट अगर मैं डोमेन के सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जो आपके मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं वो होते हैं बेटा अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। और अगर मैं स्पेसिफिकली बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो बेटा ये जो वीडियो है ये बिजनेस स्टडीज के ऊपर ही है, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस स्टडीज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीयूईटी 2024 के पेपर के लिए और टारगेट क्या बना के रखना है बच्चों आपको, 180 प्लस मार्क्स इन सीयूईटी, 180 प्लस बिजनेस स्टडीज में आपको बहुत इजीली मिलेंगे। अभी अभी हमारे कुछ बच्चों के पेपर खत्म हुए हैं, उनसे जब हमने रिव्यू लिया कि बच्चों आपका पेपर कैसा आया था और आपका पेपर कैसा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि सर पेपर बहुत इजी था, आपने जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें समझ में भी आई एंड वो पेपर में भी कुछ कुछ देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छी हमें मतलब काफ़ी अच्छा एक प्रिपरेशन का जरिया मिल गया अटा 24/7 से। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे बच्चों ने बताई एंड उनका उनका कहना था कि सर स्कोर 180 प्लस तो जाना ही जाना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको और भी बच्चों ने फॉलो किया है एंड आप भी फॉलो कर सकते हैं। सब पॉइंट नंबर वन, अपने सिलेबस को जानिए। देखिए, अभी आप क्लास 11 देख के आए होंगे और क्लास 12th में एंट्री हुई होगी। अब क्लास 12th में आते ही आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि सर किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एक साल बाद, क्लास 12th का पेपर कैसा जाने वाला है, ये जो 9-10 महीने का टाइम पीरियड है जुलाई से लेकर मार्च तक, ये कैसा हमारा कटने वाला है। तो बच्चों, क्लास 12th की बात की जाए तो सिलेबस आपको पता ही चल गया होगा, नहीं पता है तो सिलेबस की बहुत सारी वीडियोज मैंने ही डाली हुई है जहाँ पे आपको रिलेटेड टॉपिक्स भी मैंने बताए हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज बनता है ये भी बताया है, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आएंगे ये भी बताया है, केस स्टडी कितनी आई है ये भी बताया है। तो उन वीडियोस को एक बार रिफर कर दें अगर आपको सिलेबस जानने की इच्छा है, और नहीं तो बेटा आप एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तो भी आपको अपना सिलेबस दिख जाएगा। एक बार सारे चैप्टर्स के नाम लेता हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसी के साथ बेटा सीयूईटी में एंटरप्रेन्योरशिप भी जुड़ जाती है, टोटल 13 टॉपिक्स निकल के आते हैं। ठीक है भाई, 13 चैप्टर्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहले बेटा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए सिलेबस के बारे में एंड अपनी पढ़ाई को आज ही से शुरू कर दीजिए। सेकेंड टॉपिक इज नॉट डिलीटेड टॉपिक्स। देखिए, हम लोग बोर्ड में कहते हैं डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड, बेटा सीयूईटी में तो ये नॉट डिलीटेड है ना। तो ऐसे 4 स्पेशल टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स के पेपर में नहीं आएंगे, क्लास 12th में नहीं आएंगे, परंतु सीयूईटी में आएंगे। तो ये सीयूईटी के लिए क्या हुए, ये हुए नॉट डिलीटेड, बोर्ड्स के लिए हुए डिलीटेड। तो बेटा उन चैप्टर्स के मैंने उन टॉपिक के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और किस चैप्टर में आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट बेटा ये टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मार्केट नाम के चैप्टर में। फिर आता है एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपका आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये भी सीयूईटी में आएगा, क्लास 12th में डिलीटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप ये बेटा अलग पूरा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 13, ये आपका अलग चैप्टर बन जाता है सीयूईटी में एंड ये पूरा पूरा डिलीटेड है बोर्ड्स में, लेकिन सीयूईटी में आएगा। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात करता हूँ तो बेटा ये आता है कंट्रोलिंग नामक चैप्टर से, मतलब क्लास 12th में तो टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग डिलीटेड है मगर सीयूईटी में टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग आ रही है। तो बेटा ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीटेड नहीं है सीयूईटी के लिए, तो आपको इन पे भी फोकस करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। द सेकंड पॉइंट इज हैंड रिटन नोट्स। भाई थर्ड पॉइंट, हैंड रिटन नोट्स, आपके लिए हैंड रिटन नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको खुद पता होगा। भाई पेपर से एक दिन पहले, दो दिन पहले आप किताब से नहीं पढ़ाई करते हैं, आप हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ाई करते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स अपने ज़रूर बनाते रहें, साथ ही साथ जो भी हम लोग आपको पढ़ाएंगे, जो भी आपको MCQ वगैरह कराए जा रहे हैं उसका एनालिसिस वगैरह आप अगर हैंड रिटन नोट्स में लिखते रहेंगे तो बेहतर होगा। अब बेटा सीयूईटी के पेपर की पैटर्न की बात कर लेते हैं। सीयूईटी का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब कि MCQ आता है। तो ये आपको 2-4 चीज़ें अभी मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ कि MCQ आते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा आपके करोड़पति में,
भी अमिताभ बच्चन चार ऑप्शन देते हैं किसी भी सवाल में, और उस व्यक्ति को जो हॉट सीट पे बैठा होता है उसको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना होता है। यहाँ पे जब आप सीयूटी का पेपर दे रहे होंगे तो हॉट सीट पे बैठे होंगे आप, और अमिताभ बच्चन की जगह होगा एनटीए जो आपसे सवाल पूछेगा और चार ऑप्शन आपको देगा। तो बेटा एमसीक्यू का पेपर होता है सीबीटी, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये होता है आपका सीयूटी। इसके अलावा 45 मिनट मिलते हैं बीएसटी के लिए, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो 60 मिनट भी मिलते हैं, लेकिन बीएसटी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स मिलते हैं आपको। तो इसका मतलब आपको स्पीड पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, कि भैया हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर मैं बेटा पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं तो 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, कितने क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। तो आप देख रहे होंगे कि 45 मिनट के समय पे 40 मिनट आपको क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने हैं। तो स्पीड तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। आप तेजी से क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन सही कर रहे हैं, एक्यूरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और ये सब कैसे होगा, सबसे पहले होगा रीडिंग से, क्योंकि बेटा बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट रीडिंग। जो बच्चा बिजनेस स्टडीज में रीडिंग नहीं कर रहा है, रटने की कोशिश कर रहा है, वो फेलियर है, ये समझिए। आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है एंड दैट्स इट। जो किताब आपको दी जा रही है वो रीड करना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो रीड करना है, जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको एमसीक्यू करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सर एमसीक्यू कौन प्रैक्टिस कराएगा, बेटा मैं कराऊंगा, ओके जी। इसके अलावा बेटा अगर मैं 8th पॉइंट की बात करता हूं तो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में ये पहली बार सीयूटी का पेपर हुआ था, एंड 2023 में बेटा दूसरी बार हुआ है, मतलब इस बार दूसरी बार हुआ है, 2024 में जब आप जा रहे हैं तो तीसरी बार हो रहा होगा। तो 2 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको लगवाए जाएंगे, मैं ही लगवाऊंगा और आपको भी अपनी तरफ से लगवाना है। जो भी बेटा मॉक टेस्ट वगैरह आते हैं, एमसीक्यू पैटर्न को आपको समझना है, जो भी मॉक टेस्ट आते हैं वो आपको लगाना है। एंड इसी के साथ एक बात और बताता हूं कि बेटा 2023 में 15 लाख बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा था। तो आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना ज्यादा टफ हो चुका है, एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट पॉइंट एक एक नंबर पे हजारों बच्चा बैठा हुआ है, पॉइंट पॉइंट नंबर पे भी हजारों बच्चा बैठा हुआ है एडमिशन लेने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। आगे देखते हैं बेटा एमसीक्यू पैटर्न को समझना होगा। सर समझने का क्या मतलब है, एमसीक्यू पैटर्न तो हम जानते हैं, चार ऑप्शन होता है टिक कर देंगे, लेकिन बेटा समझने वाली बात यह है कि जब आपको पेपर लिखना होता है ना तो आपको रिकॉल की स्किल काम आती है, कि जो आपने याद किया है वो आप रिकॉल कर सके, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बेटा रिकॉल करने का टाइम आपको नहीं दिया जाता है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बात खत्म। यहाँ पे रिकॉल करने का चांस नहीं है आपके पास। रिकॉल तब करते हैं जब लिखना होता है, कि भैया हमने क्या पढ़ा था तो चलो ये लिख दे रहे हैं, हमने ये चीजें पढ़ी थी। लेकिन जब आपके पास चार ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उन चारों ऑप्शन में से किसी को टिक करना होगा, तो बेटा वहां पे आपको क्या करना होगा, रिकॉल नहीं करना होगा, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है वाली स्थिति उत्पन्न होगी। और बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज आती हैं, तो वहां पे आपको उस केस स्टडी के हिसाब से अपने आंसर को लिखना होगा, मतलब आता भी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एक रेफरेंस के लिए केस स्टडी आपको दी जा रही है। द पॉइंट नंबर 10th इज बेटा आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि सीयूईटी का कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है यार, बढ़ता ही जा रहा है। 7-8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा 2022 में, 15 लाख जस्ट डबल बच्चों ने फॉर्म भरा है 2023 में। आप ये समझ लो कि भाई 2024 में कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे एंड आगे आने वाले सालों में कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे। आप ये समझ लीजिए बच्चों कि जैसे जैसे साल बीतेंगे सीयूईटी का कॉम्पिटिशन लेवल टफ होता जाएगा, तो आपको इस 2024 में ही सीयूटी का पेपर निकाल के कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये बात तो कंफर्म हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। बेटा पंचवर्षीय योजना मतलब 5-year plan तो नहीं बनाना है आपको कि भाई 5-6 साल में मैं क्लियर करूंगा। तो अगर आपको 2024 में सीयूटी क्लियर करना है तो आपको कहीं ना कहीं एक मेंटरशिप या गाइडेंस की जरूरत भी है, एंड ये बात आप मन ही मन जानते होगे, क्योंकि बेटा एक अच्छे मेंटरशिप के बिना, एक अच्छी गाइडेंस के बिना आप उस पेपर को अटेम्प्ट तो कर सकते हो बट सक्सेसफुली क्वालिफाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेटा इतना कॉम्प्लेक्सिटी है पेपर में, एमसीक्यू भी आ रहा है, निगेटिव मार्किंग भी है, जीटी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, तो इतना सारा स्टडी मटेरियल सर कहाँ मिलेगा हमको, सवाल ये उत्पन्न होता है। और बेटा उसका जवाब है आपका सीयूईटी अड्डा 24/7।
ठीक है, हम देखिए बच्चों आपको YouTube पे भी पढ़ा रहे हैं, बट अगर आपको एक्सक्लूसिव मटेरियल चाहिए देन आपको जो हमारी वेबसाइट पे थोड़ा विजिट करना पड़ेगा एंड सब आपको आपको बैच लेना है नहीं लेना है दैट डिसीजन इज योर्स, बट बेटा आज ही जाके आपको वेबसाइट पे विजिट तो जरूर करना चाहिए। जो फीचर्स हमारे बैच में आपको दिए जा रहे हैं वो आपको जरूर देखने चाहिए। ठीक है भाई, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ फीचर्स होने वाले हैं हमारे एम्बिशन बैच के एंड क्या हम आपको ऑफर कर रहे हैं। देखो बच्चों बात ये है ना कि यार कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है एंड अगर आप अभी नहीं जगते हैं, अगर आप अभी वो डिसीजन नहीं लेते हैं लाइफ में कि मेरे को क्या करना है ना, मेरे को सीयूटी निकालना है अगले साल, मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि बेटा यहां तक तो कट गया जैसे कटना था, बारहवीं तक तो आ गए, फेल भी नहीं हुए, अच्छे नंबर से पास हो गए, लेकिन आगे लाइफ का क्या, आगे के 3-4 साल क्या, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या, उसके बाद काहे की जॉब, काहे की नौकरी, पैसा कहां से कमाना है, पढ़ क्यों रहे बेटा आखिरकार पैसे कमाने के लिए, एंड पैसे कमाने के लिए जो रास्ता निकलता है वो निकलता है सीयूईटी से होके। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल फैक्ट वाली बात बताता हूं यहां पे, ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम फैक्ट है एंड ये बिल्कुल आपको सुन के लगेगा कि हाँ यार इतना भी कॉमर्स में हो रहा है। बेटा अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC की बात करता हूँ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स टॉप का कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हंसराज कॉलेज, किरोड़ी मन कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, बट टॉप का कॉलेज है SRCC। बेटा SRCC की एवरेज प्लेसमेंट, मतलब एवरेज समझते हो, हर बच्चे की जो एडमिशन ले रहा है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए है पर एनम, और अगर आप हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 30-35 लाख भी ऑफर हो रहा है SRCC के बच्चों को। आप ही में से वो बच्चे होते हैं जो SRCC में एडमिशन लेते हैं, कॉमर्स के ही बच्चे होते हैं, अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स ही पढ़ के SRCC में जा रहे हैं एंड BCom ऑनर्स ही कर रहे हैं। तो बेटा SRCC के प्लेसमेंट की बात की जाए तो 10 लाख रुपए तो एवरेज पैकेज है जो हर बच्चे को मिलना ही मिलना है। हाईएस्ट पैकेज 30-35 लाख रुपए पर एनम भी जा रहा है, आप जोड़ सकते हैं 24 लाख रुपए के हिसाब से भी लगाएंगे बच्चों तो आपका एक महीने में 2 लाख रुपए बनता है मिनिमम, इतना तो मिलना ही मिलना है आपको। तो कहने का मतलब है, अब आप सोच रहे होगे सर ये सैलरी का लालच हमें नहीं, भैया हमें पैसों की जरूरत नहीं है, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मनी मन जानते हो कि पढ़ाई भी कोई क्यों कर रहा होगा और नौकरी भी कोई क्यों कर रहा होगा, पैसे के लिए। डॉक्टर इलाज कर रहा है पैसे के लिए, पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा है पैसे के लिए, सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। तो बेटा इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं कि भाई क्या क्या चीजें हम आपको दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको यहां पे जाना है गूगल क्रोम पे, आप गूगल कर सकते हो एंड देन आपको Adda247 डालना है, यहां पे आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम मिल जाएगा। उसके बाद आपको CUET पे जाना है, CUET में आप क्या करना चाह रहे हो, आप कॉमर्स का लेना चाह रहे हो तो CUET कॉमर्स पे जाना है एंड सबसे पहली फोटो आपको दिख जाएगी CUET 2024 का एम्बिशन बैच। तो एम्बिशन बैच बेटा हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और यहाँ पे हम आपको क्लास 12th के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन भी कराएंगे। मतलब आप ये सोचो कि सर अभी तो बहुत टाइम है, हमें तो क्लास 12th की प्रिपरेशन पहले करनी है, बेटा इस बैच में पहले क्लास 12th की प्रिपरेशन होगी एंड देन CUET की प्रिपरेशन होगी, साथ साथ दोनों चीजें चलेंगी। तो क्लास 12th का कोई बच्चा हो या कोई ड्रॉपर बच्चा हो जिसने ड्रॉप किया हो एंड सिर्फ वो CUET की तैयारी कर रहा है, बेस्ट बैच है आपके लिए, बेस्ट बैच होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि बेटा इसमें आपको देखो या जैसे आप गूगल पे जाओगे आपको हर टीचर का स्टडी प्लान मिल जाएगा। मैं बिजनेस स्टडीज का स्टडी प्लान भी खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा बेटा मेरी जो टाइमिंग है, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फीड है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी टॉपिक है, मैं कब पढ़ा रहा हूँ, कितने बजे पढ़ा रहा हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है भाई। तो ये आप किसी भी टीचर का देख सकते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST, मैथ्स, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड स्टैटिक GK, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है, इसके साथ बेटा आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टीचर आपको लाइव पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको लाइव डाउट सेशंस लिए जाएंगे हम ही लोगों के द्वारा, आपको PDFs मिल जाएंगी जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बेटा डेली क्विजेस देने का मौका मिलेगा। क्विज समझते हैं, टेस्ट नहीं होता है बेटा, 10 मिनट टाइम मिला, 10 मिनट आप अपने घर में बैठे हुए खाना खाने से पहले सोने से पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बात खत्म, गलत हुए सही हुए भगवान भरोसे, सॉल्व तो कर लिए, पेपर दे के देखा ना, है ना, प्रैक्टिस बनेगी। मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, आपको ईबुक्स दी जा रही हैं, आपके फोन पे ईबुक्स आ जाएंगे, आप उनको भी एसेस कर सकते हैं। आपको मंथली मैगजीन्स मिल रही है करंट अफेयर्स वगैरह की एंड आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व अनसॉल्व भी दिया जाएगा, सॉल्व तो हम ही लोग करा देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। और इतना सब कुछ क्लास 12th, क्लास
ट्वेल्थ के साथ साथ सीयूईटी क्वांट्स रीजनिंग आपको क्या भाई क्या पे करना पड़ेगा। देखो सवाल तो है ही, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं बच्चों को भी भरोसा होना चाहिए ना कि हमको ये सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं, देन हम पे कर रहे हैं। तो बेटा ये पूरे साल का बैच होने वाला है एंड आपको कूपन कोड लगाना है Y769। ठीक है, मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ Y769, एंड जब आप एंटर करोगे तो आपका ये जो बैच है एम्बिशन बैच ये हो जाएगा बेटा 8714 का। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 8714 का आपको बैच मिल जाएगा, 17% का ऑफ आपको मिल जाएगा कूपन कोड लगा के Y769। तो बेटा एम्बिशन बैच क्यों लें, ये सवाल अगर मन में आ रहा हो, बैच लें प्रैक्टिस के लिए, बैच लें आपको डेली लाइव क्लासेस देखने के लिए एंड अभी से तैयारी शुरू करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया आपको बेटा मेंटरशिप और गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है सीयूटी के पेपर में, जिस प्रकार से भाई कृष्ण थे। ठीक है, तो अर्जुन बेटा अकेले शायद कुछ ना कर पाते, उनको एक कृष्ण की जरूरत थी, मतलब राह दिखाने वाले इंसान की जरूरत थी जो उनको उनके मंजिल तक पहुंचाता। तो बेटा गाइडेंस की, मेंटरशिप की कहीं ना कहीं नीड आपको पड़ती ही है, तो आप ये बैच में एनरोल कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी 14 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्लास। आपको मैंने स्ट्रेटजी बता दी क्या करना चाहिए आपको प्रॉपर मेंटरशिप एंड गाइडेंस के लिए, ये बता दिया, थैंक यू वेरी मच। एंड बेटा ऐसे ही आगे के सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट लाता रहूंगा और कुछ ना कुछ पढ़ाता भी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।